हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। अक्सर लोग अपनी बातें शेयर नहीं दूसरों के साथ, मगर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली टैम डोवर ने अपनी 5 साल की बच्ची एमिली डोवर के साथ हो रही समस्या के बारे में बात साझा की। टैम ने जिस बीमारी की बात शेयर की, शायद ही आप उस बारे में जानते हों। दरअसल टैम डोवर की बेटी एमिली को 5 साल की उम्र में ही पीरियड्स आने शुरू हो गए थे। वैसे देखा जाता है कि पीरियड्स 16 साल के बाद शुरू होते हैं। एमिली जब 2 साल की थी, तभी उसके ब्रेस्ट बड़ी लड़कियों जैसे विकसित हो गए थे। 4 साल की उम्र आते ही एमिली के पीरियड्स शुरू हो गए थे, मगर अब उसमें मेनोपॉज के लक्षण दिख रहे हैं। वैसे तो जब एमिली का जन्म हुआ था तो वह नॉर्मल हुई थी, मगर जन्म के 2 हफ्ते बाद उसके वजन में एक अलग तरीके से बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी। 4 महीने की होने पर इसका वजन 1 साल तक की बच्ची का लगने लगे। फिर परिवार वालों ने एमिली को डॉक्टर्स को दिखा तो पता चला कि उनकी बेटी को एडिसन नाम की एक बीमारी है। डॉक्टरों ने इस बीमारी के बारे में कि एमिली को कीमोथेरेपी के बाद वही सब झेलना पड़ेगा जो मेनोपॉज के दौरान एक 50 साल की महिला को झेलना पड़ता है। आपको बता दें, एक रिसर्च से यह जानकारी मिली है कि यदि मेनोपॉज 40 साल से कम महिलाओं को होता है तो महिलाओं में कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक के बाद भी हड्डियों के टूटने का खतरा ज्यादा रहता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tacnews.in पर लॉगिन कर सकते हैं।